हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर, दैट इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, इट्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल थिंग्स। ओके, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन एटसेट्रा। सो लेट अस स्टार्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इज फॉलोड बाय रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कल्मिनेटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली हमें इस चैप्टर में, हमें इस बुक में जो भी चीज़ें पढ़नी है वो हमें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हमें कैसे स्टार्ट करना है अकाउंटिंग, उसके बाद कौन सा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग इज डन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर टू, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, नेक्स्ट वाउचर प्रिपेयर करेंगे, एंड नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, एंड देन पोस्टिंग टू लेजर। उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे, आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एट एंड बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। दीज स्टेप्स आर एक्सप्लेन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। Accounting deal with the business transactions which are monetary in nature. In other words, transactions which cannot be measured and expressed in terms of money cannot be recorded in accounting. First process of accounting is identification of transaction. इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें वो transactions को record करना है जिसमें हमें क्या करना है, जो हमारा किससे related होता है, जो monetary transactions से related होते हैं। इन शॉर्ट, जो भी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मीन्स जैसे मैंने कहा, एक बिजनेस में एक कस्टमर आता है और वो जो है सामान खरीदता है। ओके, दिस इज कॉल्ड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। बट एक कस्टमर आता है, वो सिर्फ पूछता है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस प्रोडक्ट और इस किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज दैट टर्म इज़ नॉट मॉनिटरी। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे किस ट्रांजेक्शन को जो मॉनिटरी नेचर के होंगे, जो पैसे में कन्वर्टेड होंगे। नंबर टू, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन वाउचर्स, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट है जब हमने पता कर लिया कौन से हमारे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हैं, उसके बाद हम करेंगे वाउचर। वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स आर बेसिकली द सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच द जर्नल एंट्री इज डन। जर्नल एंट्री जिसके बेसिस पे बनाते हैं वो हमारा वाउचर होता है। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाई ऑल द फर्म्स एंड आर एंड ऑन देयर ओन नेम्स। हर कंपनी का वाउचर अपने नाम से अलग होता है। जैसे हम जब भी जाते हैं बिलिंग करवाने, या फिर हम टेलर की शॉप पे गए तो वो हमें एक रिसीप्ट देता है, दैट रिसीप्ट इज कॉल्ड वाउचर। वो क्या होता है, वाउचर उसका नाम उस पर, उसकी शॉप का नाम मेंशन होता है। नंबर थ्री इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। सो द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। वाउचर बनाने के बाद फर्स्ट टाइम हम जब ट्रांजेक्शन्स को किसी बुक में लिखते हैं, उस बुक को हम उस बुक का नाम है जर्नल, एंड इन जर्नल वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जब हम डे बाय डे हर दिन का ट्रांजेक्शन एक बुक में लिखते हैं, उसी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। राइट, गिवन इज The books in which the transactions are recorded for the first time from the voucher or a source document, that is called books of original entry, and journal is one of the book of original entry in which transactions are recorded in chronological order. जब भी हम transaction को chronological order में लिखते हैं, that means day by day, तो हमारा वो क्या होता है, वो हमारा journal entry होती है। Next step is preparation of ledger. लेजर क्या होता है, लेजर इज दैट अकाउंट एंड इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जब हम नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर। द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर इन द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर अल्टीमेटली देयर प्लेस विद देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन अ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन जब हमने सारे एक जगह लिख दिए,
एक जगह लिखने के बाद हर ट्रांजैक्शन, हर एक अकाउंट का अपना एक अलग जगह बनाते हैं, उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग टू लेजर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल लेजर वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस? Trial balance is a list of debit and credit balances which is taken from ledger, which gives us arithmetic accuracy of the transaction. So trial balance kya hai? Trial balance is a list of debit and credit balances. Debit or credit balance ki wo list jo hum ledgers se banate hain, usko hum trial balance kehte hain. Trial balance ka main aim hota hai apni transactions ki accuracy ko check karna. Next is financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री अकाउंट्स। नंबर वन ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट, एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। बैलेंस शीट जब भी हम बना लेते हैं वहां पे हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है। लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस इज द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेज। Like that, a trial balance is a statement prepared and posting the balances of ledger account. Same जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। Ledger बनाने के बाद हम क्या करते हैं? Trial balance बनाते हैं, उस trial balance से हम final accounts बनाते हैं। So next point is basis of accounting. Accounting किस बेस पे होती है? तो number one is cash basis of accounting. Cash basis क्या है? Under this basis, incomes are not recorded unless they are received in cash. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारी क्या होती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनके पैसे हमें मिल चुके हैं। जिन ट्रांजेक्शन के पैसे नहीं मिले हैं, दैट मीन्स दे आर ऑन क्रेडिट बेसिस, आर नॉट रिकॉर्डेड एंड आर इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम। मीन्स कैश बेसिस ट्रांजेक्शन्स और कैश बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? द बेसिस इज सिंपल। ये कैश बेसिस सिंपल होता है, रियलिस्टिक होता है और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। नंबर टू, इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। ये पर्सनल जजमेंट को कंसिडर नहीं करता है, एस्टिमेट्स को कंसिडर नहीं करता। इट इज सूटेबल फॉर दोज इंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। जहां पे ट्रांजेक्शन मोस्टली कैश बेसिस में होते हैं वहां पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई होती है। इसका एडवांटेज क्या है? इट डज नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्लियर पिक्चर नहीं देता क्योंकि इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर किया जाता है। इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज पेमेंट में आइदर बी डिलेड और मे बी अर्ली। यहाँ पे क्या होता है, कैश बेसिस को ही कंसिडर किया जाता है इसीलिए मैनिपुलेशन के भी चांसेस होते हैं। सिंस कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर नॉट डिस्टिंग्विश। यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को अलग अलग नहीं किया जाता, सिर्फ कैश बेसिस को कंसिडर किया जाता है। तो प्रॉफिट जो होते हैं अलग अलग हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकग्नाइज इट। कंपनीज एक्ट 2013 इसको कंसिडर नहीं करता है। ओके, ये इसके डिसएडवांटेज है। अक्रूअल बेसिस क्या होती है? अक्रूअल बेसिस कैश बेसिस से जस्ट ऑपोजिट होती है। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और अक्रूड इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि चाहे वो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे है या फिर क्रेडिट बेसिस, दोनों पॉसिबिलिटीज को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना। इट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांजेक्शन और फॉर द बिजनेस टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। मतलब इसमें कैश बेस इसमें अक्रूअल बेसिस को भी इन्वॉल्व करते हैं। एडवांटेज क्या है? इट डिस्क्लोज द प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन। ये ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन को डिस्क्लोज करता है बिकॉज इट इंक्लूड्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल्सो। नंबर टू, इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल डिसएडवांटेज है कैश बेसिस का और एडवांटेज है
अक्रूअल बेसिस का. मैचिंग कॉन्सेप्ट इज फॉलोड बाय अक्रूअल बेसिस. नंबर थ्री, देयर इज कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट ईयर्स. यहाँ पे हर साल के प्रॉफिट को हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है बिकॉज इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को शो करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं. और इट इज रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 में इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को एक्सेप्ट किया गया है. डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस. ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है. इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट. ये पर्सनल जजमेंट को भी कंसिडर करता है, ये इसका डिसएडवांटेज है. तो इन शॉर्ट हमने देखा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ आर डिफरेंट एंड द एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. दोनों एक का एडवांटेज, कैश बेसिस का एडवांटेज, अक्रूअल बेसिस का डिसएडवांटेज है. और कैश बेसिस का डिसएडवांटेज अक्रूअल बेसिस का एडवांटेज है. सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. हियर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ये आपका होमवर्क है, इसको आप पढ़ेंगे. इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू क्लास.